यार पैसा पैसा पहले कहाँ, हमें इंडिया में है ना खाली 20-25 हजार रुपए कमाते थे, आज उसका डबल मिल रहा है तो भी है ना कहीं खुशी मर गई है। 50-100-200 रुपए का फाइन नहीं मारते, सीधा 500 केडी। 500 केडी आपको 5 महीना काम करना पड़ेगा फ्री में, और जब तक वो 500 केडी फेक। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है कि सेल्स जॉब के ऊपर मेरे को वीडियो बना के दो, तो सेल्स जॉब से मैं जहाँ पे कॉस्टो में जाता हूँ सामान वगैरह खरीदने, तो मैंने उनसे पूछ लिया था। What's up my YouTube family? How are you? I hope so कि you are good and well. तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो को। ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है कि सेल्स जॉब के ऊपर मेरे को वीडियो बना के दो, तो सेल्स जॉब से मैं जहाँ पे कॉस्टो में जाता हूँ सामान वगैरह खरीदने, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि भाई साहब आपको सैलरी कितनी होती है। तो उनका सेम रिप्लाई जितनी हमारी सैलरी उतनी है, मगर उनको एक ये फ़ायदा है कि समझ रहे हो एक क्या फ़ायदा है, उनको एक ये फ़ायदा है कि कंपनी उनको 25 KD प्लस 140 KD देती है खाने का। 140 KD उनका होता है और 25 KD देती है एज़ पर सेम। और ड्यूटी रोल क्या होता है, जैसे कि समझ लो आप रिलायंस फ्रेश में कभी गए होगे गलती से शॉपिंग करने, या किसी भी दुकान पर आप शॉपिंग करने के लिए गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम बिहेवियर रखना मतलब क्या करना पड़ता है। एक्चुअली जो भी सुपरमार्केट में जो भी आप सामान खरीदते हो, जैसे कि मैं कुछ भी खरीदता हूँ उसके ऊपर बारकोड स्टिकर होता है, उसको स्कैन करना है और उसको उससे पैसे लेना है, स्कैन करके बिल वगैरह बना के उससे पैसे लेना है, सेम यही काम करना है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कस्टमर से पोलाइटली बात करना है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना है, वॉट ही नीडेड दैट इज़ यू वॉन्ट टू गिव हिम। सो बहुत सारी थिंग है कि इसको कभी कुछ पता नहीं होता है उसके अंदर सुपरमार्केट के अंदर कौन सा सामान कहाँ पे रखा होता है, तो कस्टमर दे डोंट नो बिकॉज दे आर कमिंग इन द फर्स्ट टाइम। सो यू हैव टू जस्ट यू मेक श्योर यू हैव टू जस्ट करेक्ट देम एंड जस्ट गाइड देम वेयर दैट इज प्रोडक्ट। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पैसे का बहुत टेक केयर करना पड़ता है क्योंकि पैसे के मामले में ये लोग है ना जरा सा भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि DA बनाते हैं या फिर तुम्हारे पर पेनल्टी बनाते हैं, फाइन मारते हैं, मतलब बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है तो कभी कभी आपको जेब से ही भरना पड़ सकता है। तो सेम सिनारियो मेरे इसमें होता है, तो हमारी जो कंपनी है उसमें मिलता है आपको बेसिक 120 से स्टार्ट होता है, फिर आपको 20 KD एक्स्ट्रा मिलता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं कमिटमेंट रिवॉर्ड, फिर इसके बाद में आपको बोनस वगैरह हो तो मिलता रहता है। बट हमारे सिनारियों में हमारा जो रेस्टोरेंट लाइन है KFC पिज़्ज़ा हट बर्गर किंग पापा जोन्स और भी जो भी फूड लाइन वाले रेस्टोरेंट है उसमें कैशियर की जॉब एकदम अलग टाइप की होती है, समझ रहे हो, और सेल्समैन की जॉब अलग होती है। सेल्समैन मतलब क्या, उसको बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है स्टोर के अंदर क्या खत्म है क्या नहीं है। और सेल्स और जो मैं कैशियर की बात कर रहा हूँ, कैशियर की जॉब इतनी होती कि वो अपना कैश बराबर करे, बराबर काउंटिंग, कुछ भी मिस्टेक नहीं। अगर इन केस तुम्हारे रेस्टोरेंट में विजिटर आ गया और उसने ऑडिट किया कैश में 1-2 फील्स 100 फील्स 1 KD ऐसा कुछ कम आता है, तो समझ लो तुम्हारी बम्बू है, लग गए, किधर गया पैसा, बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा, बहुत सारा इंक्वायरी होएगा, तो वो सब का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो कैशियर की जॉब इतनी आसान नहीं होती, बहुत लोग सोचते हैं कैशियर तो संभालना है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे रश टाइम में कभी पैसा इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। और हमारे रेस्टोरेंट लाइन में कैशियर का काम होता है कि यार कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर से प्रॉपर ऑर्डर लेना, प्रॉपर पैसे लेना, प्रॉपर फूड जो उसने ऑर्डर किया उसको बराबर प्लेस करना। और कोस्टो में क्या होता है, हाँ तुमने ऑर्डर ले लिया, बारकोड स्कैन किया, पैसे लिया, तुम जाओ, मगर हमारे इसमें ऑर्डर लिया, ऑर्डर असेंबल भी करना पड़ता है, और असेंबल करने के बाद में ऑर्डर डिलीवर भी करना पड़ता है। डिलीवर मतलब बुला के, हाँ ठीक है सर आपका ऑर्डर रेडी है, आके लेके जाओ। तो उसमें अगर मिस्टेक होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा। तो मतलब आप हर समय अपना दिमाग खोल के रखना पड़ता है वहाँ पर कि भाई सब कुछ गलती ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही कल का सिनेरियो बताता हूँ, मेरे साथ में एक गलती हो गई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेयर करना। एक कस्टमर का ऑर्डर था कि मुझे है ना विदाउट चीज़ चाहिए था, मैंने गलती से विद चीज़ बना दिया था, एंड इट वॉज लाइक मैनेजर ऑन साउंडिंग ऑन मी, बोले कि वर वॉट यू डूड ये वो। मैंने बोला कि यार गलतियाँ सबसे होती है, तब से मैंने अपनी आँखों को और ज़्यादा ही चौकन्ना कर दिया है अभी, और कुछ ज़्यादा फोकस कर दिया है, और ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, और वापस से एकदम फोकस से काम करना है, क्योंकि काम करने के लिए आए, अगर ये जॉब ही नहीं रहेगी तो फिर मतलब नहीं रहेगा, फिर इतनी सारी मेहनत करने के बाद में और कोई हमें डांट दे
या कोई कुछ बोल दे तो बुरा लगता है। सो टेंशन नहीं, आज नहीं तो और कभी ये जो दिन है गुजर जाएगा। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और अपने काम पे फोकस रहना है कि यार चलो ये काम कर रहा हूँ, ठीक है अभी ये पूरा कंप्लीट करूँगा। तो इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है, कुछ तो डिसाइड किया है और जो शेयर करने लायक नहीं है, तो आई डोंट वांट टू शेयर दैट वन। तो बस आप आओगे तो कुवैत में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर समझ रहे कुछ करना नहीं पड़ेगा और बहुत इजी रहेगी। मैं जो काम के लिए आया हूँ कैशियर, मतलब मैं कैश ही संभालूंगा, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपको किचन में जाके हेल्प करना पड़ेगा, अगर सुपरमार्केट में गए हो कैशियर में तो कभी कभी आपको अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है वहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, कौन सा एक्सपायर हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बल्दिया का है, अगर बल्दिया फाइन पड़ जाएगा समझ लो जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी क्या मेरी भी, अगर बल्दिया फाइन पड़ जाता है। बल्दिया मतलब एक म्यूनसिपालिटी होता है, जैसे कि इंडिया में म्यूनसिपालिटी वाला होता है या फिर फूड ऑफिसर होते हैं, वो लोग आके चेक करते हैं, सेम यहाँ पे इसको बोलते हैं बल्दिया। गवर्नमेंट वाले एकदम खराब होते हैं, एकदम मतलब एकदम खराब होते हैं, जरा सा भी कचरा दिखा सीधा 50, 100, 200 रुपये का फाइन नहीं मारते, सीधा 500 KD, 500 KD आपको 5 महीना काम करना पड़ेगा फ्री में। और जब तक वो 500 KD फेक, और जब तक वो 500 KD आप भर नहीं दोगे ना, तब तक आप जा नहीं सकते अपने कंट्री वापस। सोच लो कभी कभी लोगों को बताया कि 1000 KD का फाइन मार दिया है, 500 KD का, खाली गार्बेज जैसा बाहर निकल के रखा है, उसको फेंकने जाने वाला था बंदा, और गार्बेज वैसी ही वाले फाइन, और कौन पे करेगा? बंदे की सैलरी 120 दिनार है, कहाँ से पे करेगा भाई? वो लोग को जरा सिर्फ दया मोह माया नहीं है, तुरंत तुम्हारा सिविल आईडी कार्ड मांगेंगे, फाइन लगा देंगे ऑनलाइन ऑन द स्पॉट। सो जब तक आप उसको पे नहीं करोगे 10 साल तक मतलब इधर ही पे काम करके सड़ जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में मैनेजर हमें बार बार बोलते हैं अगर फाइन गिरा बल्दिया वाला आता है तो समझ जाना बहुत बुरा हो जाएगा अपने सबके लिए, हम लोग सब लोग ट्रैवल करेंगे, कंपनी 1 रुपया भी पे नहीं करेगा। सो ये बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, समझ रहे हो? अगर आप आ रहे हो तो आपको ये सब मेक श्योर रहना ही चाहिए, कुछ भी एक्सपायरेशन नहीं मिलना चाहिए, और कुछ भी ख़राब है तो उसको आउट कर दो, ये सब देखना पड़ता है। तो कैशियर की जॉब बेसिकली 9 आवर्स की ड्यूटी होती है, उसके अंदर एक मील होता है, मील के अंदर आपको मिल जाएगा एक बर्गर, एक फ्रेंच फ्राइज और एक कोला और वाटर, तो सब जगह हमारे स्टोर में अवेलेबल कर दिया है। मगर हाँ, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोला, दिन 12 घंटे की ड्यूटी करोगे तो 2 मील मिलेगा। आप किसी भी तरह का बर्गर चूज़ कर सकते हो, उसके अंदर ऑप्शन है चिकन, वेजिटेबल एंड बीफ। हम बीफ तो खाते नहीं, चिकन और वेजिटेबल पर जिंदा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो यही सारे सीन है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सैलरी आपका ऑन द टाइम मिल जाएगा। और हाँ, कैशियर की जॉब अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है कि बुरा भी नहीं है, बस अपने आप को फोकस रखना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना रहता है, क्योंकि इधर भी देखो उधर भी देखो, ये भी करो वो भी करो बहुत ज़्यादा। और कोस्टो वाले की बात करूँ कैशियर की, सेल्समैन की, वो लोग को तो खाली कस्टमर को हैप्पी रखना है, यस सर और भी डील है, आप और क्या लेंगे, यहाँ पे ऑफर चल रहा है, ये सब बताना है, लालच देना है। वो आता है एक सामान खरीदने, खरीद के जाता है 4-5 सामान, इसको बोलते हैं यार सेल्स को आगे बढ़ाना, सेल इंक्रीमेंट, पता नहीं बहुत 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 सारे सिनारियो है। तो बस हर हाल में आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। मैं कल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब ऑर्डर गलत हुआ तो कंप्लेंट होने का चांसेस होता है, जब कंप्लेंट हो जाएगा ऊपर तक जाएगा तो मेरे को जो बोनस मिल रहा है वो बोनस भी नहीं मिल सकता है, तो बहुत सारा स्कैड भी हो गया था, मतलब आप क्या होगा। तो मैनेजर ने संभाल लिया और बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी वेरी बोला जाके, उसने गेस्ट से बात किया, नया बना के दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्व भी करने आना चाहिए, तो एक अलग से एक सिनारियो है। तो बस बाकी इतना ही बोलना चाहूँगा कि आ रहे हो कुवैत में बजे से आओ, और अपने वीज़ा जो आपका प्रॉब्लम है थोड़ा सब्र कर लो, आएगा। मैं तो यही हर बार बोलते आया हूँ कि यार वीज़ा आएगा, आपके बोलने पर तुरंत नहीं आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, यू नीड टू वेट फॉर इट, सो आफ्टर दैट यू विल गेट योर वीज़ा टिकट एंड सब एवरीथिंग, और पैसा भी मिलेगा। अरे कल एक फ्रेंड से बात हो रही थी यार, पैसा पैसा पहले कहाँ, हमें इंडिया में है ना खाली 20-25 हज़ार रुपये कमाते थे, आज उसका डबल मिल रहा है, तो भी है ना कहीं खुशी मर गई है। तब मैं मतलब उसकी एक थॉट ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया यार, जितना भी मिल रहा है जो भी मिल रहा है उसमें मुझे खुश रहना है, थैंक यू सो मच गॉड जो भी मुझे दिया है, क्योंकि मैं जैसा जी रहा हूँ लाइफ वैसा काफ़ी लोग जीना चाहते हैं, थैंक यू सो मच गॉड यार। अब मुझे कभी भी किसी चीज़ में मेरा कितना हुआ, मतलब उस बंदे का माइंडसेट मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई लाइक दैट वन, कि यार चल तेरे पास जितने भी आ रहा है बस उसमें खुश रहे, उसमें अपनी फैमिली को खुश रख। पहले उससे जब काम करता था मर मर के तो तेरे को उतना भी नहीं मिलता, आज जो भी मिल रहा है बस शुक्र गुजार कर ऊपर वाले का कि वो तेरे को उतना दे रहा है,
बस थैंक यू गॉड। और हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड थैंक यू सो मच यार। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तो समझ गए बेसिक सैलरी कितनी होगी। आपको बेसिक सैलरी मिलेगी 120 to 140। फिर उसके बाद में ओवर टाइम अगर आपके इसमें एप्लीकेबल रहा तो, ओवर टाइम मिलेगा आपके इसमें अगर एप्लीकेबल रहा तो। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा ड्यूटी मील। अगर आप रेस्टोरेंट लाइन में हो तो ड्यूटी मील कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। अगर रेस्टोरेंट लाइन में नहीं हो तो आपको ड्यूटी मील नहीं मिलेगा और आपको अपना फूड खुद कैरी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 25 KD एक्स्ट्रा मिल जाएगा। रेस्टोरेंट लाइन में कोई भी फूड अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको ऑलरेडी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर उसके बाद में 9 आवर की ड्यूटी रहेगी, उसके ऊपर जो भी करोगे ओवर टाइम रहेगा। पब्लिक मतलब 4 छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी रहेगी साल में आपको दो, मतलब एक आने का टिकट आप जा रहे हो और एक जाने का टिकट मिलेगा 2 साल के बाद में। और 1 साल के बाद में आप जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। दैट्स ऑल, दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ आई एम शेयरिंग विद यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए हम और नई न्यू ब्लॉग बनाते रहेंगे। बाय। और हाँ, फॉलो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे, है ना। Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Hey, what's up, guys? Good morning. This is Shikam here. I'm going to start my new fresh day. साथ में मेरे हैं. Hi. तो भाई का कपड़ा धोने का टाइम हो गया. Just अभी आया है. Night duty करते हैं. तो अपन disturb नहीं करते इनको. अपना काम start करते हैं. जो अपना blog है. जीवन भाई अपना कपड़ा धोएंगे. Okay. हमारे यहाँ पे पाइप देखो ऐसा आ गया, पाइप से खाली नल का चालू करना है और स्टार्ट करना है, भर जाएगा फिर काम तमाम। तो मेरा खाना यहाँ पे रेडी है, अभी सीटी नहीं मारा, अभी टाइम लगेगा, तब तक अपन बाहर बैठे। रात को कुछ खाया नहीं था तो आज गलती से मैंने ज़्यादा बना लिया, तो मेरा रात को 8 बजे आ जाऊँगा। इसको रात के लिए हो जाएगा और ये अभी के लिए हो जाएगा, मतलब लंच दो टाइम का एक साथ ही बना लिया। देखो ना, भूख लगी है, कल रात को कुछ खाया ना, थोड़ा सा 2 बाइट मार के निकलता हूँ, लेट हो रहा है। बाय बाय। और मेरी चाय भी यहाँ पे रेडी है, चाय पी लेते हैं भाई, चाय।